हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल टेक्निकल इंस्टीट्यूट्स मीडिया। और आज की जो वीडियो है ये पार्ट थ्री है। जैसे कि हमारी पार्ट टू और पार्ट वन में मैंने बताया है, जो भी इंस्टीट्यूट AICTE अप्रूव्ड है ओपन डिस्टेंस लर्निंग का कोर्स करा रहे हैं, उन इंस्टीट्यूट्स की मैं लिस्ट आप लोगों को प्रोवाइड कर रही हूँ, जो कि AICTE के पोर्टल पे भी मेंशन है। तो चलिए अब हम जान लेते हैं नेक्स्ट। एज पर अल्फाबेटिकली अब हम आज लेके चलेंगे महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र का पहला है MIT स्कूल ऑफ डिस्टेंस एजुकेशन महाराष्ट्र। ऊपर इनकी एप्लीकेशन ID दी हुई है जो AICTE द्वारा प्रोवाइड है। और इनके कोर्सेज हैं, जैसे आप देख पा रहे हैं, मैनेजमेंट, मैनेजमेंट बिजनेस, MPGD MBA और पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन मैनेजमेंट एग्जीक्यूटिव, पोस्ट ग्रेजुएट सर्टिफिकेट इन मैनेजमेंट। ये बेसिकली मैनेजमेंट के चार लेवल के प्रोग्राम चला रहे हैं और उनकी अप्रूव्ड इनटेक्स भी एज पर AICTE जो इनको मिली है वो इसमें मेंशन है और आप देख सकते हैं। और एक्चुअली महाराष्ट्र में ना काफ़ी सारे इंस्टीट्यूट्स हैं ओपन डिस्टेंस के, इसलिए इनकी लिस्ट थोड़ी सी लंबी हो जाएगी। तो नेक्स्ट सीरीज जो होगी मोस्ट प्रोबेबली उसमें हमारा पूरा ही ओपन डिस्टेंस लर्निंग का कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट इंस्टीट्यूट है श्री विल्ले पार्ले केला वन्नई मंडल्स नारसी मोनजी इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज SVKMS NMIMS महाराष्ट्र। यह डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी है, मैनेजमेंट प्रोग्राम चला रही है PG लेवल में, कोर्स मेंशन है एंड अप्रूव इनटेक्स आप देख सकते हैं इस इंस्टीट्यूट का भी। और नेक्स्ट इंस्टीट्यूट है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मटेरियल्स मैनेजमेंट महाराष्ट्र। इनकी एप्लीकेशन ऊपर मेंशन है। ये प्राइवेट सेल्फ फाइनेंसिंग इंस्टीट्यूट है, मैनेजमेंट के दो प्रोग्राम चला रहे हैं, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा जिसमें मटेरियल मैनेजमेंट एंड मैनेजमेंट लॉजिस्टिक एंड सप्लाई चेन मैनेजमेंट है। इनटेक्स आपके सामने मेंशन है 400 ईच। और जो भी इस इंस्टीट्यूट से रिलेटेड इस सीरीज में जितने भी इंस्टीट्यूट चल रहे हैं, आपको किसी पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट के बारे में जानना है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं अपनी क्वेरी। मैं डेफिनेटली पूरी कोशिश करती हूँ कि सबको रिप्लाई कर सकता हूँ। नेक्स्ट है MIT स्कूल ऑफ डिस्टेंस एजुकेशन महाराष्ट्र। एप्लीकेशन मेंशन है ऊपर। इंस्टीट्यूट का टाइप है प्राइवेट सेल्फ फाइनेंसिंग। सारे ही प्रोग्राम इनके मैनेजमेंट हैं। लेवल पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा है एंड सर्टिफिकेट। कोर्सेज मेंशन है इनके, मैनेजमेंट में है, PGD MBA BA में है, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा में है और ग्रेजुएट सर्टिफिकेट करा रहे हैं। और इनटेक्स आपके सामने इन्होंने मेंशन किया हुआ है। और आप लोगों को कोई भी क्वेरी इसी से नहीं, AICTE अप्रूव्ड या जितने भी टेक्निकल इंस्टीट्यूट्स PCI NBA से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। नेक्स्ट इंस्टीट्यूट है महाराष्ट्र का DY पाटिल डीम टू बी यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट नवी मुंबई महाराष्ट्र। तो ये लोग, ये जो इंस्टीट्यूट है ये डीम टू बी यूनिवर्सिटी है, मैनेजमेंट प्रोग्राम चला रही है PG लेवल पे बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। और इनकी जो अप्रूव्ड इनटेक्स है दैट इज़ 10,000 यस। और ये सभी डिटेल्स जो है AICTE के पोर्टल पे भी मेंशन है, ये मेरी तरफ से कुछ भी नहीं है, मैं जो भी होता है ऑथेंटिक ही इंफॉर्मेशन इसमें प्रोवाइड करती हूँ। नेक्स्ट है महाराष्ट्र का दत्ता मेघा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज महाराष्ट्र। एप्लीकेशन ID ऊपर मेंशन है। इंस्टीट्यूट जो है ये डीम टू बी यूनिवर्सिटी है, प्राइवेट प्रोग्राम चला रहे हैं, मैनेजमेंट MCA, लेवल है इनका PG और कोर्सेज हैं मास्टर इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन एंड मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन। 18 and 16 के अप्रूव्ड इनटेक्स है तो आप चेक कर सकते हैं यहाँ से किसी भी इंस्टीट्यूट के बारे में जो इसमें हमारी सीरीज में चल रहे हैं। आपको कुछ भी उसके बारे में जानना है आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए। ओनली ये जो सीरीज है ओनली ओपन डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम या कोर्सेज जो बच्चे यहाँ से कर रहे हैं वो चेक कर सकते हैं कि उनका इंस्टीट्यूट या कॉलेज या डीम टू बी यूनिवर्सिटी AICTE से अप्रूव्ड है या नहीं, या उनके कोर्स जो हैं AICTE के एज पर नॉर्म्स हैं या नहीं। तो वो अपनी डायरेक्टली भी आप AICTE की साइट पे जाके चेक कर सकते हैं। ODL पे वहाँ पर एक कॉलम होगा, वहाँ पे जाके आप अपनी इंस्टीट्यूट का नाम भी सर्च कर सकते हैं। और नेक्स्ट सीरीज जो होगी वो मैं लास्ट होगी, पार्ट 4 होगा, बिकॉज इंस्टीट्यूट की लिस्ट इतनी ज़्यादा है तो इस वजह से ये थोड़ी सी लेंदी हो गई है वीडियो, वीडियो नहीं पार्ट में हो गई है इसीलिए। तो कोई भी आपकी क्वेरी है आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, मैं डेफिनेटली उसका रिप्लाई करूँगी। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल ऑल्सो। बाय।